भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह के बाद क्या विधानसभा चुनाव में जलवा दिखाएंगे भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव? क्या खेसारी लाल यादव इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर उनसे राजनीति को लेकर के जब सवाल किया तो खेसारी लाल यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया। क्या कुछ कहा खेसारी लाल यादव ने, सुनिए। पटना पहुंचे हैं खेसारी जी, क्या कहिएगा? पटना कोई माने पहली बार थोड़ी आए हैं। हाँ, हाँ। पटना अपना घर है, अपना परिवार है, परिवार के लोग हैं, तो यहाँ तो हमेशा अच्छा लगता है हम लोगों को। जिस तरीके से फिल्म को लेकर के बिहार में जो पहल लगी हुई है, क्या लगता है सरकार क्या और मुहैया कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि थिएटर बढ़ना चाहिए और थिएटर बढ़ेगा तो शायद ज्यादा फायदा होगा। और सब्सिडी से तो ये होता है कि प्रोड्यूसर का घर भर जाएगा, बट मुझे लगता है कि थिएटर से बहुत सारे रोजगार भी बढ़ेंगे, वहाँ दुकान बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सब्सिडी से ये होगा कि लोगों का आना जाना अच्छा हो जाएगा, तो दोनों फायदेमंद है, बट ज़्यादा फायदेमंद मुझे लगता है कि थिएटर है, क्योंकि थिएटर से हम बेहतर फिल्म और अपने भाषा को और ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जब आती है लोग उस पर जागरूक होते हैं, तो जब सामान बेचने का जरिया होगा तो अप्रोपी आपको मुझे लगता है कि सामान ज़्यादा फीचरिंग होगी या चाहे चीज़ें बढ़ेगी, तो थिएटर ही हमारे पास नहीं है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए वो है, तो उस पे ज्यादा हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सरकार से क्या मांग आपकी? बस मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो और बिहार में खास करके ज्यादा करके मुझे लगता है कि हमें थिएटर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि थिएटर बढ़ेगा तो हमारे लोग अपने भाषा के लिए थिएटर जाएंगे और उसमें बहुत सारी चीजें बड़ा होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा वहाँ से। जिस तरीके से राजनीति में आने की चर्चा हो रही है आपकी? अरे नहीं नहीं भाई, आप लोग के प्यार इतना मिल रहा है मुझे, ये बहुत है मेरे लिए। राजनीति जो जिनको करना है वो कर ही रहे हैं, बाकी हमारे भाई सब राजनीति कर ही रहे हैं। कलाकार इस बार उतर रहे हैं विधानसभा में, सबको शुभकामना है और प्रचार करेंगे, हम भी सबको जिताएंगे भाई सब। हाँ, डांस का बहुत प्यारी फिल्म है और उसके लिए हम भी थोड़ा सा सोचे हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो बहुत प्यारी फिल्म है। जिस तरीके से यूपी में देखा जा रहा है, खास करके मंदिर मस्जिद को लेकर के हंगामे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए मंदिर और मस्जिद करने से मुझे लगता है कि विकास का कोई मतलब है? विकास तो लोगों के धरती पे आने के बाद होता है, तो विकास बड़ा जरूरी है मुझे लगता है, और मंदिर मस्जिद से घर पेट भरता नहीं। हाँ, सबकी आस्था है, आस्था जरूरी है, लेकिन पेट में अनाज होता है, रोजगार होता है ना, तो आस्था और पूजा पाठ करने में भी मजा आता है, तो ज्यादा चलो। बस लगातार फिल्में आ रही है, बस डांस रिलीज है। तो सुना आपने, इस बार भी पटना पहुंचने के साथ ही खेसारी लाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो बिल्कुल भी राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे। राजनीति में एंट्री के नाम पर ही खेसारी लाल यादव ने सवाल सुनते ही सीधे हाथ जोड़ लिए और कह दिया कि हमें राजनीति में नहीं आना, फिलहाल जो हमारे भाई लोग राजनीति में आए हैं हम उनका सहयोग करेंगे, उनको जिताने में मदद करेंगे। पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने नीतीश कुमार से भी कई बड़ी मांग की। बता दें कि खेसारी लाल यादव के कवि तेज प्रताप यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या खेसारी लाल यादव राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। यही सवाल जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया तो इस बार उन्होंने खुलकर सीधा सीधा जवाब दे दिया। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।